हेलो स्टूडेंट्स, डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग मेथड। सॉल्यूशन जो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहती हूँ कि केमिस्ट्री को आप एनसीईआरटी से ही प्रेफर कीजिएगा। हर एक लाइन में आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। केमिस्ट्री में मैं अभी जो आपको बता रही हूँ वो सॉल्यूशन के में जो एक टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए, आइडियल सॉल्यूशन वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, इस केस में देयर इज नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग। अगर आप निकालोगे इन केस ऑफ आइडियल, ये जीरो रहेगा। और सिंपल इस केस में ध्यान रखिए, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिए, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। सेम इसमें बस छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिए, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिए, ईच कंपोनेंट ओवेज राउट्स RAOULTS apostrophe s राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर्स एंड कंसेंट्रेशन। तो इस केस में अगर आप पीए नॉट लिखते हो तो पीए नॉट इंटू एक्स ए, एंड पी बी लिख रहे हो, दिस इज योर पी बी नॉट एंड एक्स बी। यहां पर देखिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिए, देयर कंपोनेंट्स डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। और सिंपल आप ध्यान रख सकते हो, दे शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस, इसके ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट आपको इसमें और बता रही हूँ, जो हम एग्जांपल्स ध्यान रखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल के, जिसमें मैंने आपको बताया नॉन आइडियल सॉल्यूशन को मैं आगे क्लासिफाई कर रही हूँ। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में आप ध्यान रखिएगा, देयर इज अ पॉजिटिव डेविएशन। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन आप ध्यान रखिएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव रहेगा, एंड हीटिंग इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में मिलेंगे। एंड इस केस में ध्यान रखिएगा, पीए इज ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स ए, एंड पीबी इज ग्रेटर देन पीबी नॉट एक्स बी। हियर एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी। यहां देखिए, नेगेटिव डेविएशन। तो ये डिफरेंस की फॉर्मेट में अगर आप याद रखोगे तो ये बहुत इजी होगा आपके लिए। डेल्टा एच मिक्सिंग इस केस में नेगेटिव रहेगा, और आप सिंपल कह सकते हैं डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक एंड हीटिंग डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। और इस केस में पीए लेस देन पीए नॉट एक्स ए, एंड पीबी लेस देन पीए नॉट एक्स बी। और डेल्टा एच मिक्सिंग, जैसे मैंने आपको बोला, नेगेटिव होगा। एक और पॉइंट आपको इसमें बता रही हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस बाइफरकेशन को दोबारा बता रही हूँ। यहां देखिए,
हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन बताया, पॉजिटिव डेविएशन एंड दिस इज योर नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर मैं आपको एक डिफ्रेंशिएशन बता रही हूँ। अगर हम दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं तो ए बी फोर्सेस आर लेस देन ए एंड बी बी फोर्सेस। तो सॉल्यूशन में आपका ए एंड बी दो कंपोनेंट मिक्स होंगे। इस केस में आप ध्यान रखिएगा ए बी फोर्सेस आर मोर देन ए टू ए एंड बी टू बी फोर्सेस। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका ये वाला बॉन्ड ए ए बॉन्ड या बी बी बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इन्हें ब्रेक करने में प्रॉब्लम आएगी। दैट इज द वन रीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी हीटिंग पर। तो इस टाइप की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली जो क्लासेस के अपडेट होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है या जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उनके वीडियोस जनरेट करके आपका ये चैनल पर डालते हैं। तो अगर आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते और नेट का यूज करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो शेयर कीजिए, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट में आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपकी परसेंटेज 60-70 जाती है। अगर आप एक टाइम टेबल बना के इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तो यू बिकम द टॉपर और यू विल कम इन 80s रेंज, मतलब आप एवरेज से बहुत ज्यादा होंगे। तो यूज योर मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम रिसोर्सेज। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।